सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स की ग्रुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जल्दी से पुराने पोल को लेकर। हमें सवाल था पोको X2 को लेके और आप में से बोला यार 88% ने कि कुछ अलग होना चाहिए इसी पोको X2 में। बाकी बोलते हैं यहाँ पे कि भाई अगर रेडमी K30 वाला ही हुआ हिसाब किताब पोको X2 में तो भी खैर क्या फर्क पड़ता है। यार मेरे ख्याल से भी कुछ अलग ही होना चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं एक अलग इंडिपेंडेंट ब्रांड की। खैर दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है इसी पोको X2 में। खैर फिलहाल के लिए दोस्तों आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप दोस्तों जानते हैं जो ऑनलाइन खींचातानी लगी रहती है रियलमी और शाओमी के बीच में, तो क्या दोस्तों आपके हिसाब से ऐसे करते रहना चाहिए ब्रांड्स को एक दूसरे की तरफ अटैक कर करके अपनी मार्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, या आपके हिसाब से यार एथिक्स को फॉलो करते हुए सीरियसली काम पे फोकस करना चाहिए। बताइए जरूर क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और हमेशा की तरह हर बार की तरह ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और दबाते रहिए जोर लगा लगा के लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके। तो यहाँ पर दोस्तों एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है भैया 4G ब्लूटूथ और एंड्रॉयड के साथ दोस्तों आने वाला है ये स्कूटर, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जो दोस्तों कीमत है वो जाती है करीब 1.5 लाख के आसपास, जहां पे ये आता है कुछ 80-85 किलोमीटर की रेंज के साथ में। जहां पर दोस्तों के इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं आप जानते हैं कि भैया फ्यूचर इन्हीं का होने वाला है। फिर चाहे आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स वगैरह भी साथ में शामिल करते हुए, तो ये है एथर 450X, जहाँ पर साथ में कुछ प्रो प्लस अलग अलग वेरिएंट्स हैं इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से भैया। एप्पल ने पेटेंट फाइल किया है दोस्तों ऑटोनोमस कार की कुछ डिटेल्स को लेके, जहाँ पर दोस्तों आपसे बात कर रहा हूँ वॉइस जेस्चर की, साथ में टच बेस्ड इनपुट्स वगैरह की। अब ये एप्पल की ये कार वाकई में यार कब आएगी या क्या होगा हिसाब किताब, खैर हम देखेंगे। और क्या पता एप्पल कार लेने के पहले एक आईफोन लेना बहुत जरूरी बन जाए, बिकॉज क्या पता वही चाबी का काम कर ले भैया गाड़ी में। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आगे फ्यूचर कैसा होता है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है जियोस गॉट टैलेंट को लेके, जहाँ दोस्तों जियो और स्नैपचैट जो है वो भैया लॉन्च करने वाले हैं 10 सेकंड का एक क्रिएटिव वीडियो चैलेंज, जो दोस्तों यहाँ पे जाने वाला है अभी 4 फरवरी तक, मतलब लॉन्च कर चुके हैं ये। और ऐसे में जियोस गॉट टैलेंट एक अलग ही टाइप का कुछ फंडा लेके आए हैं स्नैपचैट के साथ मिलके अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। 10-10 सेकंड के वीडियोस का मौका है कि आप बनाएं और पोस्ट करें। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो Huawei के P40 दोस्तों जो फोन है उसके प्रीमियम वर्जन के, यहाँ पर दोस्तों ये कुछ रेंडर्स निकल के आए हैं कि आखिर कैसा हो सकता है Huawei का P40 प्रीमियम। अभी मतलब इस बार शायद P40 Pro फिर बाद में होगा कि भैया नहीं होगा, कोई हमको आइडिया नहीं। लेकिन दोस्तों हम इतना तो मान लीजिए कि इस साल जो भैया फोकस रहने वाला है ना स्मार्टफोन ब्रांड्स का बहुत भयंकर वाला, वो कैमरा पे होगा। तो देखते हैं आखिर Huawei P40 का जो कैमरा है वो आखिर कितना दमदार होता है। या दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है नोकिया की तरफ से। ऐसे भैया नोकिया जो है वो इस साल एक फोल्डेबल फोन जो है वो लॉन्च करने वाला है। मतलब लगता है कि भैया शायद बाकी ब्रांड्स जो हैं वो भी एक ना एक तो कम से कम अपना फोल्डिंग फोन लॉन्च कर ही देंगे। अभी नोकिया देखते हैं कि ये काम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में करता है या उसके बाद में, और आखिर इनका फोल्डिंग फोन कैसा होता है। या दोस्तों अगली खबर निकल के आती है एप्पल की तरफ से भैया। एप्पल जो है वो 2020 के फर्स्ट हाफ में मैन्युफैक्चर करने वाला है 116 मिलियन आईफोन्स, बिकॉज दोस्तों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया बहुत भयंकर डिमांड होने वाली है अपकमिंग आईफोन 9 या SE 2 दोस्तों जो भी खैर होगा उस फोन की। तो ऐसे में उसी डिमांड को मीट करने के लिए 116 मिलियन आईफोन्स बनाए जाएंगे सिर्फ पहले ही हाफ में। तो देखते हैं आखिर सेल्स कैसी होती हैं इन्हीं अपकमिंग आईफोन्स की। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी इंडिया के CEO मिस्टर माधव शेठ की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने दोस्तों रिस्पॉन्ड किया है वो जो शाओमी का चलता है पूरा सीन कॉपी कैट वाला, और ऐसे में दोस्तों दोनों तरफ से चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका कॉम्पिटिशन है वो हो सकता है बहुत आपको कड़ी टक्कर दे रहा हो, और दोस्तों आप देख ही रहे कि रियलमी जो है वो बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है शाओमी को। लेकिन ऐसे में दोनों तरफ से हमको ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ अपने काम पे फोकस करें
देखते हैं एग्जैक्टली कि आगे कहानी क्या निकलती है रियलमी और शाओमी की, और दोनों में से आगे बड़ा ब्रांड और कौन बन पाता है इंडिया में। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है ऑनर स्पोर्ट प्रो ब्लूटूथ ईयरफोन्स को लेके। यहाँ पर दोस्तों ये जाने वाले हैं सेल पे फ्लिपकार्ट पे थर्सडे से, जहाँ पर दोस्तों कीमत है ऑनर स्पोर्ट की वो है 1999 रुपये और जो स्पोर्ट प्रो है भैया वो आते हैं 3999 रुपये कीमत के साथ में। अगर आपको पसंद है ब्लूटूथ ईयरफोन्स, बिकॉज फोन में आजकल भैया जैक लगाने का मौका मिलता नहीं है, तो ये एक ऑप्शन है ऑनर की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर, तो गूगल ने अनाउंस किया है एंड्रॉइड हेल्प का एक हैशटैग ट्विटर के लिए, जहां पर दोस्तों अगर आपके पास में कोई क्वेरीज हैं अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से जुड़ी हुई, तो आप ऐसे में अगर हैशटैग यूज करते हैं एंड्रॉइड हेल्प, तो आपको जवाब मिल सकता है सीधा गूगल की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है मोटोरोला के मोटो G8 और मोटो G8 पावर को लेके, और यहाँ पर दोस्तों ये भैया सामने लीक हुआ है। वैसे में फोन में तो खैर पंच होल है, लेकिन जो बेजल्स हैं और जो नीचे की चिन है भैया बहुत ही मोटी मोटी लग रही है। क्वाइट रियर कैमरा हमको घर देखने को मिल रहे हैं, अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि जो मोटोरोला है वो क्या करता है अपने इन्हीं नए फोन्स के साथ में। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है सैमसंग के गैलेक्सी S20 नहीं Note 20 के बारे में, और यहाँ पर दोस्तों ये एक स्कीमेटिक जो है भैया वो केस के लिए निकल के आई है कि आखिर कैसा होगा गैलेक्सी नोट 20 का केस, जहाँ पर दोस्तों नीचे हमको खैर जगह देखने को मिल रही है क्लियरली एस पेन के लिए, और जो कटआउट है दोस्तों वो दिख रहा है बिल्कुल सेम पैटर्न में आता हुआ जैसे कि हमको देखने को मिलेगा गैलेक्सी S20 फैमिली में। देखते हैं कि जो गैलेक्सी नोट 20 है वो आखिर अपने साथ में क्या कुछ नया लेके आता है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकलता है पोको X2 को लेके, और यहाँ पर भैया हो गया कन्फर्म कि इसमें होगा 120Hz का डिस्प्ले। अभी मेरे को तो बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं स्ट्रॉन्ग कि ये शायद Redmi K30 का ही एक रीब्रांडेड वर्जन होगा। चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी मिलती जुलती रहेंगी। बाकी अगर आप देखते हैं एग्जैक्टली कि कीमत क्या रहती है पोको के इसी अपकमिंग पोको X2 की। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर जो है वो निकल के आती है हमें हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज के मार्केट में अवेलेबिलिटी को लेके, जहाँ पर दोस्तों बोलते हैं कि ये सेल पे जाने वाला है 6 मार्च से। तो ऐसे में दोस्तों लॉन्च अगर 11 फरवरी को हो रहा है, फिर बाद में प्री ऑर्डर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में सेल पे जाएगा 6 मार्च से। फिलहाल खैर यहाँ पे ये US के लिए डेट्स होती हैं, अब देखते हैं कि इंडिया में जो सेल का टाइम है दोस्तों क्या होता है। मेरे ख्याल से इसी के आसपास होगा। और ऐसे में जो गैलेक्सी Z फ्लिप है उसकी एक प्राइस जो है उसका भी रूमर निकल के आया है, जो कि बोलते हैं होने वाली है $1400, यानी कि 1,00,000 के थोड़ा सा ऊपर। देखते हैं सैमसंग एग्जैक्टली क्या करता है इस बार और किस कीमत पर लॉन्च करता है यही नए स्मार्टफोन्स दोस्तों। बस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका खुद सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।